बाइकिंग या कार रेसिंग देखने में जितनी रोमांचक लगती है उससे भी ज्यादा रोमांच आता है इसका हिस्सा बनकर। तो चलिए आपको लिए चलते हैं ऐसे ही एक रोमांचक रैली में जिसका नाम है रैली ऑफ हिमालयाज। रफ्तार और रोमांच से भरपूर रैली ऑफ हिमालयाज की शानदार शुरुआत हुई। देश भर के बाइकर्स और एक्सट्रीम कंडीशन में कार रेसिंग करने वाले खिलाड़ी पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की कुदरती खूबसूरती और इनमें ड्राइव करने का रोमांच आप इन तस्वीरों को देखकर कुछ हद तक महसूस कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आज से पहली रैली ऑफ हिमालय की शुरुआत होने जा रही है और पहली मर्तबा इस रैली में 102 पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं। रफ्तार के ये दीवाने जो है वो अगले 3 दिनों तक ऐसी ऊंचाई पर जो है वो कंपटीशन का हिस्सा होंगे जिसमें 10,000 फीट से लेकर 15,000 फीट तक जो है वो मनाली से लाहौल स्पीति के स्पीति एरिया में जो है वो रफ्तार से बातें करेंगे। हिमालयन एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स और एयर हिमालयाज रैली ऑफ हिमालयाज के नाम से एक रैली का आयोजन कर रहा है जो काफी वक्त से इस तरह के आयोजन करते रहे हैं, लेकिन इस बार लंबे वक्त के बाद कोरोना गाइडलाइंस में छूट मिलने के बाद जैसे ही रैली ऑफ हिमालयाज की अनाउंसमेंट हुई इसके लिए रिकॉर्ड एंट्रीज आने लगी। इसमें इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन है बाइकर्स की कि 80 जो कि रिकॉर्ड आज तक है, और इसमें 8 से 10 लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक नया चार में लड़कियां भी हिमालयाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहती हैं, तो और ये 3 दिन तक चलेगी ये रैली। इस रैली में पार्टिसिपेंट के तौर पर करीब 9 लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं, जिनमें कोई पेशे से डॉक्टर है तो कोई एक्ट्रेस। बहुत सालों से मुझे यहाँ हिमालय में रैली करने की बहुत तमन्ना थी, बहुत इच्छा थी। 2 बार तो मैंने एंट्री फी भी भर दी थी और मैं आना चाह रही थी, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि लास्ट मिनट बहुत सारे डेट्स लाइन अप हो जाते हैं। ये तो 2 बार मैंने ट्राई की, यहाँ आने की कोशिश करी, लेकिन वो हो नहीं पाया। और इस बार आई थिंक आई एम लकी। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ फर्स्ट फॉर द बोथ ऑफ अस बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट क्रॉस कंट्री रैली, द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग द रैली ऑफ हिमालयाज एंड ऑल्सो द फर्स्ट टाइम ड्राइविंग अक्रॉस कंट्री इन अ जीप। मन में मगर ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि कल हमने रेकी फिनिश किया है और दोनों बहुत एक्साइटेड है। स्टेजेस भी बहुत चैलेंजिंग है, सो देखना है क्या चले। देखिए साहब, इस चीज में तो मैं तारीफ करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश और इवन लद्दाख साइड की भी, कि यहाँ पे एकमात्र क्रिकेट ही स्पोर्ट नहीं है, ये हर स्पोर्ट को एंजॉय करते हैं, हर स्पोर्ट को बढ़ावा देते हैं। मैं इस चीज में सरकार का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग ऐसे इवेंट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 3 दिन तक चलने वाली मोटर रैली में देश भर के राज्यों से करीब 102 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पुरुषों के साथ साथ महिला प्रतिभागी भी बड़ी संख्या में इस रोमांच और खतरों से भरे खेल में हिस्सा ले रही हैं। मनाली से शुरू हुई इस रैली में अलग अलग पड़ाव में करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ऐसे आयोजनों से युवाओं में उत्साह भी बढ़ रहा है। प्रतिभागी यही चाहते हैं कि ऐसे मौके उन्हें मिलते रहें और इसके लिए वे सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। यूं तो रोमांचक खेलों के लिए हिमाचल युवाओं की पहली पसंद हमेशा ही रहा है, लेकिन कोरोना के बाद गाइडलाइंस में मिली छूट के चलते इस तरह का आयोजन काफी वक्त के बाद हो रहा है और इससे और भी इवेंट्स होने की उम्मीद जगी है। संदीप सिंह, सी मीडिया, मनाली।